बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। पहले ये टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था, लेकिन वायरस के कारण इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। अब इसकी शुरुआत 15 अप्रैल या फिर इस डेट के बाद भी हो सकती है। करीब एक महीने पहले आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी हो गया था, जबकि अब उन सभी तिथियों में पूरी तरह से बदलाव संभव हो गया है। आईपीएल पर वायरस के संकट को लेकर बीसीसीआई ने मुंबई में गवर्निंग काउंसिल और सभी 8 फ्रेंचाइजियों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इसमें आईपीएल के छोटे फॉर्मेट सहित कई विकल्पों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि अगर हालात सुधरते हैं तो आईपीएल का 13वां सीजन छोटा होगा, क्योंकि पहले ही 15 दिन की देरी हो चुकी है। ऐसे में इसे छोटा करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये तय नहीं है कि टूर्नामेंट कितना छोटा होगा, कितने मैच कम होंगे। हर हफ्ते हालात की समीक्षा की जाएगी। हम आईपीएल करवाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। आईपीएल में क्रिकेट प्रशंसकों को 60 मैच देखने को मिलते हैं, लेकिन देर से आईपीएल शुरू होने के चलते ये मैचों की संख्या में कुछ कमी आ सकती है और 60 से घटकर ये मैचों की संख्या 30 भी हो सकती है। कम विंडो में 60 मैच कराना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को ना चाहते हुए भी 60 से कम मैच कराने के लिए इस कठिन फैसले को लेना पड़ सकता है। अगर आईपीएल 2020 में 60 से कम मैच होते हैं तो ये दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी निराशा की बात होगी। बता दें कि बीसीसीआई ने वायरस के कारण सभी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। बोर्ड ने एक बयान जारी करके कहा है कि वायरस के कारण ईरानी कप, सीनियर वुमेन्स वनडे नॉकआउट टूर्नामेंट, वुमेन्स वनडे चैलेंजर टूर्नामेंट को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जूनियर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी भी टाल दी गई है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।